नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको भारत और विश्व में हुई आज ही के दिन कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। आज ही के दिन 1883 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली बार फोन से बातचीत हुई थी। आज ही के दिन 1855 में पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा भेजा गया था, जिसमें कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ संदेश और कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना शामिल है। आज के दिन कनाडा में 1837 से अश्वेत नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। आज के दिन मोरारजी देसाई 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। आज के दिन घातक संक्रमण बीमारी टीबी की पहचान 1882 में हुई थी। इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक को बाद में नोबल पुरस्कार दिया गया था। आज के दिन भूटान 2008 में लोकतांत्रिक देश बना था। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि अवध देश है। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। आज के दिन पीएन भगवती 1999 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति के उपाध्यक्ष चयनित हुए थे। प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके अलावा उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी और जुलाई 1973 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। आज के दिन 1828 में फिलाडेल्फिया और कोलंबिया रेलवे अधिकृत किया गया था। आज के दिन 1932 में अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो प्रसारण किया गया था। आज के दिन बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी का 1979 में जन्म हुआ था। हाशमी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फुटपाथ फिल्म से की थी। 2004 में उनकी दो फिल्में रिलीज हुई। पहली मर्डर थी जिसने उन्हें सितारों की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इमरान हाशमी एक फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकित भारतीय अभिनेता है। आज के दिन इंग्लैंड की महारानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम का 1603 में निधन हुआ। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी जिसका शासनकाल 27 नवंबर 1558 से उनकी मृत्यु तक चला था। यह ब्रिटेन की ट्यूडर राजवंश की पांचवी और आखिरी सम्राज्ञी थी। आज के दिन तपेदिक की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसके नियंत्रण के प्रयास को जारी रखने के लिए 2003 से दुनिया भर में आज के दिन को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था।